रणबीर कपूर ने नीचे झुककर रश्मिका के साथ कुछ ऐसा किया जिसके बाद भी वो अपनी खुशी से आंख ही नहीं खोल पाई। क्या वो मैं बाद में बताता हूँ, पर इस सीन में रणविजय और अबरार की लड़ाई हो रही है, पर भाई एक गलत म्यूजिक देखो कैसे पूरे सीन का मतलब ही चेंज कर देता है। खैर इस सीन में भाई बहु रामी वाली मिस्टेक दिखी है मुझे, पर वो मैं बाद में बताता हूँ। पर उससे पहले मैं आपको बता दूँ भाई कि इस वीडियो के एंड पर मैं आपको पूरी एनिमल मूवी दिखाऊंगा, तो एंड देखना तो बिल्कुल ना भूलना। सो अबरार भैया जब लड़ रहे हैं तो इनकी शर्ट के बटन बंद है, पर जैसे ये शर्ट दोनों साइड से खींच कर ताड़ने लगते हैं तो बटन ऑटोमेटिकली खुद ही खुल जाते हैं। रणबीर भैया की बॉडी के बालों की समझ नहीं आई मेरे को भाई कि भाई इनके चेस्ट के बीच वाली लाइन के नीचे निकल गई जो बीच में खाली जगह हो गई, और भाई इस सीन में तो भाई सेंटर में ही आ गए सारे बाल और अब चेस्ट के ऊपर से बाल गायब हो गए। खैर बालों की भूल भुलैया को छोड़ो, यहाँ तो शैडो ही इनके हिले हुए हैं कि ऊपर से बॉबी भाई ने रणविजय को पकड़ा हुआ है तो उनका शैडो लेफ्ट साइड पर है, और जैसे कैमरा सामने से आता तो भाई राइट पर हो जाता है शैडो। इवन बॉबी भैया रणविजय के ऊपर भी लेटे हैं तो नीचे से रणविजय का शैडो ऐसे है जैसे बिखरा हुआ है जमीन पर, क्योंकि भाई लेटे हुए बंदे का शैडो उसके नीचे होना चाहिए ना, पर ये तो साइड पर निकला हुआ है। बाय द वे क्लियरली दिख रहा है कि इट्स अ ग्रीन स्क्रीन, मतलब बॉबी रणबीर भैया के ऊपर नहीं बल्कि ग्रीन स्क्रीन पर लेटे हुए हैं। मतलब डायलॉग ऐसे बोलो कि बर्फी भी अंडरटेकर बन जाए। नहीं पहले मैं समझा कि भाई दीदी तमिल बोल रही है तो मुझे समझ नहीं आई होगी, पर कमेंट्स में देखा तो भाई किसी को भी पता नहीं लगा कि रश्मिका ने एक्चुअली में मुंह में सुपारी डालकर बोला क्या है। खैर लेट मी शो यू द रियल रीजन कि इन दोनों हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हुई क्यों थी। तुम इतने कुकिंग शो देखती हो पर अभी तक तुम्हें खाना सही से बनाना नहीं आया। आप भी तो इतनी इंग्लिश फिल्में देखते हो पर मैंने कभी कंप्लेन की। वैसे इस मूवी में भाई इन हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ऐसे दिखाया है जैसे ये दोनों दूर दूर रहे तो जुदाई और पास रहे तो लड़ाई, मतलब लड़ते ही रहते हैं। पर भाई कमेंट में बताना कि किस किस को रश्मिका मिशन मजनू के बाद ऐसे ही लगता है जैसे ब्लाइंड रोल ही कर रही है। नहीं मतलब हर आईज आर सो डेड कि लगता ब्लाइंड ही है। इस दिन में रणविजय गीतांजलि को लाइट जेट में लेकर जाता है और फिर जेट को इतना उड़ाते हैं कि भाई रात से दिन हो जाता है, पर अभी तक इसका फ्यूल ही खत्म नहीं हुआ, जबकि भाई लाइट जेट सिर्फ 3-4 घंटे ही उड़ते हैं मैक्सिमम। जेट में बैठे रणविजय टूथ ब्रश कर रहे हैं जिसके ब्रश में कोई टूथ पेस्ट लगा ही नहीं हुआ। अरे भाई ये टूथ पेस्ट के बिना ब्रशिंग चालू कर दी क्या। फिर उसी हाथ में ब्रश लेकर एक गीतांजलि को प्लेन उड़ाना सिखा रहे हैं, पर जैसे हाथ ऊपर करते हैं तो वो गायब हो जाता है, पर कैमरा साइड से आता तो फिर हाथ में आ जाता है। और आए ये दोनों खाली हाथ थे, पर जब सुबह होती है तो ये बाथरूम से साड़ी पहनकर निकल रही होती है। बट डूड अब शुरू हो गया द बेस्ट फाइट सीन ऑफ एनिमल। जिस सीन में रणविजय इस मास्क मैन को ये कुल्हाड़ा मारकर ऊपर उठाता है तो नीचे से आधा कुल्हाड़ा ही गायब हो गया। नहीं अब ना आधा कुल्हाड़ा दिख रहा है ना रणविजय भैया का हाथ दिख रहा है, और जब नीचे कुल्हाड़ा ही नहीं है तो ये बंदा दीवार के साथ लगकर ऊपर कैसे गया हुआ है। एक्सप्लेन अस प्लीज। फिर रणविजय ये दरवाजा तोड़कर उसके ऊपर चढ़ते हैं तो अभी ये इस रोड के एकदम पीछे खड़े हैं, पर जैसे कैमरा साइड से दिखाता है तो ये तो इस रोड से आगे खड़े गोलियां चला रहे होते हैं। भाई वो कम्प्लीटली अनरिलेटेड, पर 75% आंखें बंद करके इस पिक्चर को देखो, और अगर आपको भी जादू दिखा तो उस जादू के लिए एक लाइक ठोक दो वीडियो को। रणविजय और उसकी टीम ये डब्बा तोड़कर सबसे बड़ी ह्यूमन मेड मशीन गन निकाल रहे हैं, जो कि क्लियरली दिख रही है कि भाई ये डब्बा रणविजय की शोल्डर तक है, और अभी भी ये डब्बा खाली खाली लग रहा है। मतलब मशीन गन जो है वो नीचे ही होगी ना, पर जैसे निकाल कर चलाने लगते हैं तो ये तो भाई इतनी बड़ी होगी कि रणविजय भैया पीछे से दिख ही नहीं रहे, और भाई जितनी बड़ी ये गन है तो उससे तो भाई किसी भी इंसान के चीतड़े ही उड़ जाए, पर यहाँ तो सब ऐसे मरे पड़े हैं जैसे किसी आम एक गन के फायर लगे हुए इन सबको। और जहाँ तक बात है रणविजय ने झुककर गीतांजलि के साथ ऐसा क्या किया था जिस पर वो खुश हो रही थी, तो भाई सिर्फ जूते ही पहनाए थे। मतलब लाइट जेट से लेकर इस कार तक की बंदी जूते के बगैर ही फिर रही थी, तो जूते पहनकर खुश तो होना ही था ना। और रणविजय गीतांजलि से इतना प्यार करता है कि इतनी ठंडी में भी ऐसे उठा कर ले आया दीदी को। नहीं भाई दीदी को ठंडी लग गई तो, और एकदम से ये दोनों बर्फबारी से इस ग्रीनरी में भी आ गए। भाई मेरे को समझ नहीं आई कैसे आए, पर
आ गए। खैर अब मैं दिखाऊंगा आपको एनिमल फुल मूवी की स्टोरी। सो इस वीडियो को लाइक कर दो और जो मिस्टेक मुझसे मिस हो गई हो उसे कमेंट में बता दो और इस वीडियो को अपने एनिमल लवर के साथ शेयर कर दो क्योंकि ये मूवी आपको काफी एनिमल मूवी से रिजेंबल लगेगी। पापा जी आपके अंदर इतना अहंकार क्यों भरा हुआ है? 10 मिनट के लिए मैं ईश्वर चंद बन के बहस करूं और आप आदित्य बन गए। मैं बेटा और तुम मेरे बाप। परफेक्ट। गेट आउट फ्रॉम हियर। जस्ट गेट आउट। पापा ये मार धार खून खराबे से क्या मिलेगा तुम्हें? मेरे पापा बीमार हैं। पर पापा मेरी बात तो इसे कह दो मुझे किसी से बात नहीं करना है। कि तुम अपने माँ बाप के पास जाओगे या फिर मेरे साथ रहोगे? क्यों धोखा दिया मेरे पापा का तुमने? क्या मजा आया था भाई फिल्म से। इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलना। बाय।